हेलो थर्ड क्लास, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? या आई नो वेरी वेल, यू आर वेरी फिट एंड फाइन, यस और नो? एंड यू हैव ए लॉट्स ऑफ एंजॉय एट योर होम? यस, सो वेलकम बैक टू द वीडियो क्लासेस एट लिटिल एंजल स्कूल एट होम, एंड दिस इज पूनम भाटी फ्रॉम लिटिल एंजल स्कूल. ओके, सो स्टूडेंट्स, एवरी डे यू वुड बी अटेंडेड द वीडियो क्लासेज एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ओके, एंड लर्न अबाउट दैट टॉपिक विच आई डिस्कस इन द वीडियो क्लासेज. सो स्टूडेंट, मेक श्योर दैट यू हैव योर कंप्यूटर टेक्स्ट बुक विद यू विद ऑल द टाइम वाइल अटेंड द क्लास. सो स्टूडेंट्स, प्लीज टेक नेक्स्ट 5 सेकेंड टू कीप योर बुक रेडी. 5, 4, 3, 2, and 1. Students, I hope you all are ready. Yes. So students, today we are going to cover the day 2 of your chapter number 4. आज हम chapter number 4 का day 2 cover करेंगे. So let's start with the day 2. Students, this is your chapter number 4 and the chapter name is Working with MS Paint. Okay, MS Paint, MS that means Microsoft Paint, okay, which is developed by the MS Office, that is the Microsoft company. Okay, so students, in the last video we already start with the chapter number 4 with the MS Paint, with the tools and shapes. So let's start with the MS Paint. First of all, before we describing the topic of your this chapter, we will learn about this topic in this chapter. Your computer textbook has been covered these topics, like different drawing, different shapes, menu bar, setting a drawing as a desktop background. Okay, so student, in the last video class we already discussed about the different shapes and tools. Okay, in the last video class हमने कुछ MS Paint में different shapes and tools के बारे में पढ़ा था. ठीक है, कि ये टूल्स होते हैं, ये हमारे शेप्स होते हैं. नाउ अब इन शेप्स एंड टूल्स को हम अपने एमएस पेंट में यूज़ कैसे करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे. तो वी विल डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 4 टुडे, ड्राइंग डिफरेंट शेप्स. तो डिफरेंट शेप्स को हम ड्राइंग कैसे कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, ड्राइंग डिफरेंट शेप इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 4. ठीक है, तो यू हैव टू लर्न अबाउट दैट कि देर आर लॉट्स ऑफ शेप्स आर अवेलेबल इन योर एमएस पेंट ऑफिस, एंड यू लर्न अबाउट दीज टूल्स एंड शेप्स इन लास्ट वीडियो क्लास. ओके, वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ different shapes like rectangle shapes, like square shapes, oval shapes. Oval से हम circles बना सकते हैं, rectangle से हम square shapes बना सकते हैं. How to create that their outline, how to make their outline, how to color them, and how to drag and drop the different shapes. ठीक है, और ये different shapes कहाँ available होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस ड्राइंग डिफरेंट शेप्स में रीड आउट करेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, शेप्स. शेप्स बेसिकली शेप्स ग्रुप होते, शेप्स क्या होते हैं, लाइक ग्राफिकल शेप्स, ओके, ज्योमेट्रिकल शेप्स, समथिंग लाइक. ठीक है, सो सम शेप्स ग्रुप्स इन एमएस पेंट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट रेडीमेड शेप्स. ठीक है, MS Paint में कुछ रेडीमेड शेप्स दी होती हैं, उनका कलेक्शन होता है शेप ग्रुप. क्लियर है? लाइक रेक्टेंगल शेप, एरोज, लाइंस, सर्कल्स एंड ओवल्स. क्लियर? एंड समथिंग लाइक डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आर अवेलेबल, विच इज़ द रेडीमेड शेप, विच इज़ रेडी टू यूज शेप.
So following this step to draw any shape in paint, you have to follow some step to make any shape in your drawing area. So let's start with some step for drawing any shapes in paint. The step one. What is step one? Select any shape from the shape group of the home tone. So first of all, you have to know about that your shapes and tools are available in home tab. There are different tabs in your MS Paint. Okay, there are different tabs in your MS Paint, like file tab, like home tab, and like view tab. Okay, this one. So these are the different tabs. So these different shapes are available in the home tab. आपको ये लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि हमारे डिफरेंट शेप्स कहाँ होते हैं. डिफरेंट शेप्स होते हैं हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल MS Paint के होम शेप टैब में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर MS Paint ऑफिस. देन आफ्टर दैट जब आपकी MS Paint विंडो ओपन हो जाएगी, योर MS Paint विंडो विल बी अपेयर. देन आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक दैट होम टैब. देन some commands are available, then you have to choose the any shape from the shape groups, okay, which are available in the home tab. Now after the follow the first step, take the mouse pointer to the drawing area. Aap apni mouse ke pointer ko yahan par drawing area mein leke aayenge. This is the drawing area. Then after that, after your mouse pointer appear on your drawing area, then pull down the left mouse button and drag the mouse. आपको अपने माउस को, जब माउस पॉइंटर को अपने ड्राइंग एरिया में लेकर आएंगे, तब अपने माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करके रखेंगे लाइक दिस. मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका माउस है और ये आपका लेफ्ट बटन एंड ये आपका राइट बटन है. ठीक है, तो आपको अपने लेफ्ट बटन को होल्ड डाउन, जस्ट यर होल्ड डाउन योर लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस. अपने माउस को ड्रैग करना है. क्लियर, दिस इज द इन सेकेंड स्टेप. Then the appearance of ready-made shape can be changed as per our need. Okay, जो हमारी need होगी उसी के according हमारी जो ready-made shape है वो appear होगी. अगर आप उसे big करना चाहते हैं तो आप उसे big कर सकते हैं. अगर आप उसे small करना चाहते हैं आप उसे small कर सकते हैं. अगर आपको circle की बजाय, आपको ये जैसे circle बना हुआ है, आप circle की बजाय से oval shape देना चाहते हैं, तो you can change the shape. ठीक है, तो एज योर नीड यू कैन योर शेप, रेडीमेड शेप विल बी अपीयर. ओके, नाउ थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप सेज इफ यू वांट टू चेंज द आउटलाइन स्टाइल ऑफ योर रेडीमेड शेप, देन यू कैन. सो फॉर दिस, फॉर चेंज द आउटलाइन स्टाइल, you have to follow the these step. ठीक है, for outline style, first of all you have to choose the file option. You have to choose the file tab. Then you have to click the file tab. Some commands are available in file tab. Then you have to click the outline option in the file tab. आपको outline option आपको file tab में से क्लिक करना है. दिखा, मैंने आपको जूम करके दिखाया. एंड यू हैव टू, यू कैन चेंज द आउटलाइन स्टाइल. यू हैव टू, यू कैन सिलेक्ट द आउटलाइन स्टाइल फ्रॉम द लिस्ट, आउटलाइन लिस्ट. ठीक है, इफ यू वांट, इफ यू डोंट वांट टू आउटलाइन, देन यू हैव टू सिलेक्ट द नो आउटलाइन. ठीक है, तो अगर आपको आउटलाइन चेंज करनी है, आउटलाइन का स्टाइल चेंज करना है, तो आपको एक थर्ड स्टेप फॉलो करना है. उसके लिए आपको पहले फाइल टैब में जाना है. जब आप फाइल टैब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ कमांड्स अवेलेबल होंगी फाइल टैब के अंदर. उसके अंदर आपको ये आउटलाइन चूज करना है. आउटलाइन चूज करते ही आपको लिस्ट अपेयर होगी. ये कुछ डिफरेंट स्टाइल्स के आउटलाइन हैं एंड आप इसमें से कोई एक आउटलाइन चूज कर सकते हैं. ठीक है, क्लिक ऑन द आउटलाइन ऑप्शन ऑफ द शेप ग्रुप एंड
change the outline style. Now, if you want to change your outline size, ठीक है, अगर आप outline की size को change करना चाहते हैं, this one, अगर आप outline की size को change करना चाहते हैं, thick करना चाहते हैं, thin करना चाहते हैं, तो you can, ठीक है, उसके लिए आपका step क्या होता है, in the file tab, ये भी आपकी file tab में ही available है, you have to click the file tab, then some list are appear on your file tab, ठीक, then you have to select the size option to change the thickness of the outline, यहाँ पर आपको साइज ऑप्शन सिलेक्ट करना है, यू हैव टू क्लिक द साइज ऑप्शन, तो कुछ आपको आउटलाइन की साइज अपेयर होंगी एंड वट एवर यू वॉन्ट आप उसमें से साइज सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको थिक आउटलाइन रखनी तो आप थिक साइज की आउटलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल थिन आउटलाइन रखनी है तो आपको थिन आउटलाइन की साइज को आप चेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. नाउ if you not require any outline of your ready made shapes, then you have to select no outline from the option outline option. maine bataya tha ye outline option hai, iske andar kuch outline ki styles de rakhe hain, also iske andar ye bhi de rakha hai no outline. to agar aapko outline nahi chahiye apne shapes ki, to you have to select the no outline option from the outline option. क्लियर है. फिफ्थ स्टेप, इफ यू वांट टू चेंज योर आउटलाइन कलर, इफ यू वांट टू चेंज योर आउटलाइन कलर, देन यू कैन चेंज योर आउटलाइन कलर एंड इफ यू वांट टू फिल द कलर इन योर रेडीमेड शेप, अगर आप अपनी रेडीमेड शेप में फिल करना चाहते हैं कलर तो आप ये भी कर सकते हैं. अगर आप रेडीमेड शेप की आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं, ब्लैक से किसी अलग कलर पर जाना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको यू हैव टू फॉलो द फिफ्थ स्टेप. फर्स्टली एज यू नो डैट, फर्स्टली यू हैव टू क्लिक द फाइल टैब, देन आफ्टर डैट सम लिस्ट आर अपीयर, देन यू चूज द कलर ऑप्शन. The color 1 and color 2 are available. Color 1 are used for outline color and color 2 are used for fill the color on your shapes. ठीक है, तो color 1 आपको choose करना है outline color के लिए और color 2 आपको choose करना है अपनी shape के अंदर color fill करने के लिए. Clear है. Click on color to change the outline color and color 2 to fill color in the shapes. क्लिक ऑन कलर 1 टू चेंज द आउटलाइन कलर. तो आपने कलर 1 में आउटलाइन कलर 1 में आपने आउटलाइन का कलर दे दिया लाइक दिस ब्राउन कलर कुछ इस टाइप का. तो देखो आपके आउटलाइन का कलर चेंज हो गया, यस और नो? यस. और आपने अपने कलर के अंदर सॉरी रेडीमेड शेप के अंदर कोई कलर फिल किया है, ठीक है, तो उसमें वो भी दिखाती हूँ. वो कलर आपके रेडीमेड शेप का कलर भी चेंज हो गया, उसके अंदर कलर फिल हो गया. देखो आउटलाइन का कलर चेंज हो गया, अब शेप का कलर भी चेंज हो गया, देखिए. ठीक है, उसी तरह से आपको करना है. कलर टू क्लिक करना है शेप की शेप में कलर फिल करने के लिए. तो अब देखिए शेप में भी कलर फिल हो गया है और आउटलाइन का भी कलर फिल हो गया है. If you do not want to fill color in the shape, अगर आपको नहीं करना है कलर का शेप का कलर शेप के अंदर कलर फिल नहीं करना है, then you can change the color with the white color. आप अपना उसको वाइट कलर चेंज कर सकते हैं. तो आपका जो कलर था शेप के अंदर जो वाइट कलर शो हो रहा था वही आपका शो होगा. So if you don't want to fill the color ऑन योर शेप के अगर आप फिल नहीं करना चाहते थे ना, तो सिलेक्ट नो फिल ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट. इफ यू फिल द कलर सिलेक्ट फिल ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट. ओके, तो आपका कलर चेंज हो जाएगा आपकी शेप का और आप कलर आपकी शेप में कोई भी कलर नहीं रहेगा अगर आपने नो फिल ऑप्शन सिलेक्ट किया है. क्लियर? तो दिस इज इनफ फॉर टुडे वीडियो.
So student, this is enough for today's video, that is the day 2 video. In the day 2 video, we learned about the drawing different shapes, about the outlines, about the colors. ठीक है कि हमने आउटलाइन को रखना है नहीं रखना शेप्स का, हम शेप्स की अपेयरेंस कैसे रखते हैं, आउटलाइन की थिकनेस कैसे करते हैं, आउटलाइन का कलर कैसे चेंज करते हैं, या फिर अपनी शेप्स में कलर हम कैसे फिल करते हैं. ये सब हमने आज एमएस पेंट में सीखा है डे टू वीडियो में. क्लियर है? तो यू हैव टू लर्न अबाउट फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द ड्राॅइंग डिफरेंट शेप्स. क्लियर विद द स्टेप्स. सो स्टूडेंट प्लीज स्टे हेल्दी, स्टे होम, स्टे सेफ. घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए. क्लियर है? नाउ थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे. खूब सारा एंजॉय करो, साथ में मिल जम के पढ़ाई भी करो. बाय बाय.